Hi guys, welcome to my channel Life with Aura. Welcome to a new video. आज की जो वीडियो है ये है पर्पल आई हार्ट ब्यूटी सेल की पार्ट टू. अगर आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, प्लीज चेकआउट कीजिएगा. बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मैंने परचेज की है, उनकी रिव्यूज भी मैंने दी है. आज की वीडियो पार्ट टू है, इसमें और भी सारे प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे थे जो उनके रिव्यू मैं देने वाली हूँ. तो बिना देरी के शुरू करते हैं. ओके, तो पहला जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है आपका पर्पल पेंटावाइटन रेन ड्रॉप मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन. ये है पैकेजिंग, ये पर्पल की प्रोडक्ट है, ये एक मॉइस्चराइजर है. इसकी 7 वेरिएंट्स आती है, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और ड्राई स्किन के लिए भी अलग अलग बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मॉइस्चराइजर है, ये आपकी स्किन के जो हाइलुरोनिक एसिड है उसको बूस्ट अप करता है. ये पैक 45 ग्राम्स की है, इसका प्राइस कुछ 379 पड़ा था मुझे, एक्चुअल प्राइस शायद 549 की है. सेल पे मैंने परचेज की थी आई हार्ट ब्यूटी सेल में, तो ये मुझे कुछ 379 के करीब करीब पड़ा था. लाइट वेटेड है, सिल्की स्मूथ टेक्सचर है इसका, और ड्राइनेस और डल स्किन को ये बहुत अच्छे से कवर करता है. स्किन इन्फ्लेमेशन को भी ये अच्छे से क्योर करता है. तो इसकी पैकेजिंग हम लोग खोल के कैसी इसकी टेक्सचर है वो देख लेते हैं. तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ. पैकेजिंग तो काफी अच्छी है इसकी, ऐसी है. ये पर्पल की अपनी प्रोडक्ट है, पेंटावाइटन रेन ड्रॉप मॉइस्चराइजर. दिस इज द बॉटल. बॉटल बहुत काफी क्यूट बॉटल है, तो खोल के देख लेते हैं. कवर आती है ऐसे. ओके, तो ये है आपका मॉइस्चराइजर. बहुत हाइड्रेट करता है आपके स्किन को, तो हम लोग इसको स्किन पे यूज करके देख लेते हैं. ये मैंने लिया है यहाँ पे टेक्सचर, तो इसको हम लोग, बहुत मॉइस्चराइजर है, बहुत लाइट फ्रेग्रेंस है. फ्रेग्रेंस से जिनको प्रॉब्लम है उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल भी ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है इसका, एकदम लाइट फ्रेग्रेंस है, नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स के जैसे फ्रेग्रेंस होते हैं. तो ये मैंने लगाया है गाइस, मैं क्या बोलूं आप लोगों को, मैं बता नहीं सकती. ऐसे ही हाथ मेरा बहुत सॉफ्ट हो गया है. तो जब आप मेकअप से पहले या नॉर्मली मॉइस्चराइज करेंगे स्किन केयर में, तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके स्किन के लिए, क्योंकि आपके नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड को बूस्ट अप करता है. तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है. ओके, सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो NYBay ड्यूई फेस प्राइमर है. ये प्राइमर भी ड्राई स्किन के लिए है विथ HA. इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और ये क्विक अब्सॉर्बिंग है, ड्यूई फिनिश देता है, ट्रैवल फ्रेंडली है. गाइस छोटी सी बॉटल है, देख सकते हैं आप लोग. ये 13 ग्राम्स की बॉटल है, मुझे कुछ 239 में पड़ी थी ये. इसके साथ बाई वन गेट वन फ्री था, तो मैंने NYBay की एक अलग प्रोडक्ट भी खरीदी थी. तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपका स्किन को इवन टोन कर देता है, हेल्दी रखता है, हाइड्रेटेड रखता है. बहुत अच्छी प्राइमर है ये. मैंने ये रिव्यूज में देखी है, फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज करने वाली हूँ. तो आज मैं अभी आपको स्वच्छ करके बताती हूँ, इसको अच्छे से यूज करने के बाद फुल रिव्यू में आपको दे पाऊंगी. ये ड्यूई फिनिश देता है, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है. तो पैकेजिंग खोल के देख लेते हैं. तो ऑलरेडी मैंने मॉइस्चराइजर यहाँ लगाया हुआ है पर्पल का, उसके ऊपर ही हम लोग प्राइमर अप्लाई करेंगे. तो देख, अच्छा ये काइंड ऑफ जेल बेस्ड है, सी गाइस. थोड़ा सा प्रोडक्ट मैंने लिया है, देखते हैं. हाँ, ड्यूई फिनिश दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं, शाइनी एक फिनिश है और इसकी भी बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं है, फ्रेग्रेंस फ्री है ये.
तो स्किन पे काफी अच्छा लगेगा। प्राइमर का स्टेप बहुत नेसेसरी होता है बिफोर मेकअप, तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये लग रही है अभी तक तो, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है अभी तक तो ये अब्सॉर्ब हो गई है, पर ड्राइनेस मुझे समझ में नहीं आया, तो लग रहा है काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। एंड माई वे ड्यू फेस प्राइमर ड्राई स्किन आप लोग चेक, ठीक है। ओके, कम्स टू द थर्ड प्रोडक्ट। थर्ड जो प्रोडक्ट मैंने खरीदी है वो है फेसेस कैनेडा वेटलेस मैट फाउंडेशन। ये है इसकी पैकेजिंग, ये कुछ 18 ml का है, 139 के करीब करीब मुझे पड़ा था ऑफ के बाद। ऑल टाइप ऑफ स्किन टोन्स के लिए है ये, और इसमें ग्रेप एक्सट्रैक्ट्स है, शिया बटर है फॉर स्मूथ फिनिश, और ये जो शेड है मैंने खरीदी है 03 बेज, मेरे स्किन से बहुत मैच करता है। मैट फिनिश है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और ये आपके ब्लेमिशेस को कवर करता है, क्लॉक्ड पोर्स को कवर करता है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है। इसकी पैकेजिंग हम लोग देख लेते हैं कैसा है क्या है नहीं है। ओके, ट्रैवल फ्रेंडली है, छोटी सी बॉटल है गाइज, आप लोग इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। तो स्किन पे ही ऑलरेडी मैं कर रही हूँ, ऑलरेडी मैंने मॉइस्चराइजर कर लिया है, प्राइमर भी लगा दिया है इसके ऊपर, अब हम लोग फाउंडेशन अप्लाई करके देख लेते हैं। फ्रेग्रेंस पर नहीं लग रही मुझे कुछ भी। ओके, ये है प्रोडक्ट, अप्लाई करके देख लेते हैं। काफी लाइट वेटेड है, सेकंड स्किन की तरह लग रहा है, देखिए मेरे स्किन पे ऑलरेडी अब्सॉर्ब हो गया है। ये मेरा एक्चुअल स्किन कलर है, और ये जो है प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद, ये जो पर्पल के मॉइस्चराइजर मैंने लगाई थी वो उसकी वजह से ये और भी स्मूथ लग रहा है, बिल्कुल ड्राई नहीं लग रहा है मेरे हाथ में, तो फेस में भी नहीं लगेगा ये, क्योंकि फेस में ऑलरेडी हाइलुरोनिक एसिड रहता है। तो या गाइस, मुझे तो अच्छा लगा। तो साथ ही साथ फोर्थ प्रोडक्ट भी है फेसेस कैनेडा की, ये कॉम्पैक्ट है, फाउंडेशन मैंने लिया है उसी के साथ फेस पाउडर, मैंने कॉम्प्रेस पाउडर भी मैंने लिया है। तो ये भी आपका लाइट वेटेड है, इन द शेड बेज, 9 grams की है, 139 का कुछ पड़ा था मुझे। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है इसमें SPF 20 है, तो सनस्क्रीन ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑयल कंट्रोल है इसमें भी, शिया बटर है, विटामिन ई है, मैट फिनिश है, और ऑब्वियसली ट्रैवल फ्रेंडली तो है ही, क्योंकि वही देखकर मैंने खरीदा था ताकि मैं इसको कैरी कर पाऊँ। तो दिस इज द कॉम्पैक्ट। ओके, हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं। तो एक आपको यहाँ पे कुशन भी दिया गया है, ये है पाउडर, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट है, तो हम लोग पाउडर को स्वच्छ करके देख लेते हैं। वाओ, बहुत अच्छा है, मैटिफाई कर देता है आपके स्किन को, इसका भी फ्रेग्रेंस नहीं है, तो जिनको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत एकदम सेकेंड स्किन की तरह लग रहा है, अच्छी प्रोडक्ट है ये। तो हाँ, इसमें भी विटामिन ई, शिया बटर दिया हुआ है, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो हाँ, फिफ्थ जो प्रोडक्ट है वो है आपका, मैंने एक हेयर कलर खरीदा है, बाय वन गेट वन फ्री, मतलब बोगो का ऑफर चल रहा था इसमें। तो ये बी ब्लंट सैलो सीक्रेट हाई शाइन क्रेम हेयर कलर है, ये है इसकी पैकेजिंग, दो बाय वन गेट वन फ्री मिला था। मैंने जो शेड खरीदा था वो था मोहगनी रेडिश ब्राउन, ये आपका 4.56 शेड है, रेडिश ब्राउन है। इसके साथ मैंने चूज किया था हनी लाइट गोल्डन ब्राउन 5.32, ये बाय वन गेट वन फ्री है, मतलब एक मुझे पड़ा था 169 का फॉर 100 grams, और एक आपको फ्री मिलता है, ये आई हार्ट ब्यूटी सेल में मैंने खरीदा था। तो ये प्रोडक्ट मैं पहले यूज कर चुकी हूँ, मैंने ऑलरेडी जो कलर किया हुआ है वो मैंने बर्गंडी किया हुआ है कलर,
ये पहले मैं गार्नियर यूज करती थी, उससे भी ज्यादा ये लॉन्ग लास्टिंग है। करीब करीब मेरा मोर देन 3 to 4 months आराम से ये हेयर पे कलर रहता है। तो इसमें शाइन कंट्रोल भी दिया हुआ है। तो एक पैकेजिंग मैं आपको खोल के बताती हूँ, पैकेजिंग। ओके, तो ये शायद, हाँ ये है डेवलपर, और ये है आपका कलर, और ये है शाइन। ये तीनों यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है बैक साइड पे, और इसके साथ एक नोट भी दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा, इसके साथ आपको ग्लव्स भी मिल जाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, एक बार ट्राई करके देखिए। बी ब्लंड की हेयर कलर अभी बहुत मार्केट में डिमांडिंग है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है और ये बिल्कुल भी मतलब आपके हेयर को डैमेज नहीं करती है, क्रुएल्टी फ्री है। तो बहुत अच्छा शाइन, एक स्मूथ सा फिनिश आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, कलर मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा बागंडी कलर आया हुआ है। तो ये है फिफ्थ प्रोडक्ट। ओके, तो सिक्स जो प्रोडक्ट मैंने खरीदी है, ये कॉम्बो पैक है, मेबेलिन न्यूयॉर्क की क्रीमी मैट न्यूड लिपस्टिक की कॉम्बो पैक है। दो लिपस्टिक है इसके अंदर, एक है न्यूड न्यूएंस और दूसरा है टच ऑफ स्पाइस। तो ये कॉम्बो मुझे पड़ा था कुछ 399 का, 12 hours ये स्टे करता है ऐसा मेबेलिन का दावा है। तो हम लोग देख लेते हैं ये ट्रांसफर प्रूफ है कि नहीं। तो पैकेजिंग मैं खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत अच्छी पैकेजिंग दी है उन लोगों ने। तो ओपन कर लेते हैं, ये एक बॉक्स में आया है आपको। ओके, तो दो लिपस्टिक दिया हुआ है यहाँ पे। ये है लिपस्टिक न्यूड न्यूएंस और टच ऑफ स्पाइस। ओके, 660 टच ऑफ स्पाइस और 657 न्यूड न्यूएंस। तो हम लोग स्वैशेस करके देख लेते हैं, ओपन कर लेती हूँ मैं इसको। ये एक प्लास्टिक रैप में है। तो प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, शेल्फ लाइफ वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग, और इसका शेल्फ लाइफ है 2024 तक। काफी अच्छी पैकेजिंग है गाइस, सी बहुत रिच लुक देता है। मेबेलिन के प्रोडक्ट तो वैसे ही अच्छे होते हैं बहुत। तो पहला जो शेड मैं स्वश करने वाली हूँ न्यूड न्यूएंस। ओके, वाओ, एकदम ब्राउन कलर, न्यूड ब्राउन कलर का है ये। इट विल सूट ऑल टाइप ऑफ स्किन टोन्स, सारे स्किन टोन में बहुत अच्छा जाएगा ये। अगर आप वीटिश है, आइवरी है, या फिर थोड़े डार्क शेड के हैं, सारे स्किन टोन में ये अच्छा जाएगा। बहुत ही अच्छा कलर है, थोड़ा अप्लाई कर, वैसे भी मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया है पर उसके ऊपर भी थोड़ा अप्लाई करके देख लेते हैं। ब्राउन शेड का है, काफी अच्छा है ये, और टच ऑफ स्पाइस भी देख लेते हैं। ओके, तो टच ऑफ स्पाइस, दोनों ही शेड बहुत अच्छे हैं गाइस। ये थोड़ा पिंकिश टाइप का है, ये आपको वीडियो में पिंक लग रहा होगा बट ये थोड़ा महोगनी कलर का है। टच ऑफ स्पाइस, ये कलर भी काफी अच्छा है। तो मैं हाथ पे ही देख लेती हूँ, अभी फिलहाल तो मैं नहीं कर सकती। ट्रांसफर तो हो रहा है गाइस, मुझे नहीं लगता ये ट्रांसफर प्रूफ है, ट्रांसफर हो रहा है। क्रीमी लिपस्टिक है, क्रीमी टेक्सचर है, तो आप लोग इसको रीअप्लाई कीजिएगा, लिप्स को आपके ड्राई नहीं करेगा ये। काफी अच्छी पैकेजिंग भी है इसकी, मेबेलिन न्यूयॉर्क की। तो मुझे बहुत अच्छी लगी दोनों कलर, आप लोग उसको चेकअप। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी एनवाई बेकी ही एक प्रोडक्ट है। एनवाई बेकी प्रोडक्ट काफी अच्छी होती है,
ये मैंने एक क्रीम ब्लश लिया है चेरी ऑरेंज कलर का, सुपर ब्लेंडेबल है, मल्टीपर्पज है, ट्रेवल फ्रेंडली है, वीगन है। ये 10 ग्राम्स का कुछ 144 मुझे पड़ा था ये, तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये है इसकी पैकेजिंग, क्रीम ब्लश है ये, तो हम लोग इसको खोल के देख लेते हैं। चेरी ऑरेंज 02 शेड है इसका। ओके, तो ये मैंने ओपन कर लिया है, क्रीम ब्लश है। देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं लाइटली अप्लाई कर रही हूँ जस्ट चेक करने के लिए कितना ब्लेंडेड है ये। ओह माय गॉड गाइस, ये बहुत अच्छी कलर है, सी एकदम नेचुरल ब्लश है ये। थोड़ा सा प्रोडक्ट ही मैंने लिया है और ये इतना अच्छे से ब्लश लग रहा है। हालांकि ये चेरी ऑरेंज है पर मुझे लाइट पिंक सा एक टेक्सचर दे रहा है। हाँ, थोड़ा मैंने ज्यादा ले लिया शायद। मुझे ब्लश काफी अच्छा लगता है, अगर आप मेकअप नहीं भी करते हो बस ब्लश अप्लाई कर लीजिएगा और लिपस्टिक अप्लाई कर लीजिएगा, फेस पे आपके अच्छा सा एक लुक दे देगा। तो मुझे ये काफी अच्छी लगी, सच में बहुत ब्लेंडेबल है। थोड़ा सा प्रोडक्ट आप लोग लीजिएगा, पूरा ये आपके फेस को कवर कर देगा। तो आप लोग शायद इसको लिपस्टिक के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। स्वॉश करके एक बार देख लेती हूँ मैं। टिंटेड है, मुझे तो काफी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। तो आप लोग इसको NYBakey, ये 02 चेरी ऑरेंज है, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें थी जो मैंने पर्पल पे खरीदी थी। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज वीडियो में जाके देख लीजिएगा, उसमें भी काफी अच्छी सारी प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छे, कुछ प्रोडक्ट्स न्यू हैं, मैं यूज करने के बाद और डिटेल में आपको बता पाऊंगी। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ऑलरेडी यूज किए हैं, सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। जब भी सेल चल रहा हो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्प्रेड लव। और प्लीज जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी चीजें शेयर कर रही हूँ, आपके सपोर्ट से ही मैं और ग्रो कर पाऊंगी और अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर पाऊंगी, जो गलतियां मैंने की है ताकि वो आप लोग ना दोहराए और आप अपने मनी को अच्छे से यूज कर पाए, फिजूल खर्चा ना हो। तो उस वजह से ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अच्छे रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। बाय बाय।